हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुछ गार्डन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेटूनिया प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं और अपने प्लांट की केयर कैसे करें जिससे हमारे प्लांट में काफ़ी लंबे समय तक इसी तरह फ्लावरिंग होती रहे। अगर कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अप्रैल तक इन प्लांट से अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। पेटूनिया जैसा कि सर्दियों का पौधा है, इसमें सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर कुछ केयर टिप्स अपनाएंगे तो आपका प्लांट अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा और बहुत लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी और ढेरों फूल आएंगे। सर्दियों का ये प्लांट आप लंबे समय तक फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है सही टाइम पर इसको खाद देना। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, आप इन सूखे हुए फूलों को जो फूल खिल के मुरझाने लगते हैं तो उन्हें सूखने मत दीजिए, पहले ही उनको हटा दीजिए। तो देखिएगा आपके प्लांट में लगातार कलियां बनती रहेंगी और फ्लावरिंग होती रहेगी। इस टाइम काफ़ी धूप होने लगी है तो अब अपने प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ सिर्फ 2-3 घंटे की धूप आती हो, तो ये आपका प्लांट बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करेगा। मेरा ये पेटूनिया का प्लांट करीब 2 महीनों से फ्लावरिंग कर रहा है और इसी तरह से फूल आ रहे हैं और मैं इनकी पिंचिंग करती रहती हूँ। जैसे इस तरह से मुरझा जाते हैं फूल खिलने के बाद तो उनको हटा देती हूँ। और अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो इनमें बीज बनने लगती है। जब प्लांट में बीज बनना शुरू हो जाती है तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन बीजों को पकाने में लगा देता है, फिर वो फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, नई कलियां बनाना बंद कर देता है। ऐसे में आप इन फूलों को तुरंत कट करके हटा दीजिए तो आपका प्लांट लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहेगा। जैसा कि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और मौसम थोड़ा गर्म हो रहा है तो अपने प्लांट को छांव पे रखिए जहाँ 2-3 घंटे की धूप आती हो। और दूसरी चीज़ है, आप इस समय अपने प्लांट को डेली पानी देंगे तो आपका प्लांट हरा बना रहेगा। देखिए कितना भी फूल तोड़े कुछ ना कुछ फूल रह ही जाते हैं। और ये देखिए इसमें बीज बनने लगी थी। तो मैं डेली फूल तोड़ती हूँ अपने पौधों से, जब मैं पानी डालती हूँ तो ये जो मुरझाए हुए फूल होते हैं जितने भी मुझे दिखते हैं मैं तोड़ देती हूँ। ये मेरा रोज़ का काम हो गया है। अब खाद की बात करें तो आप इनको कोई भी खाद दे सकते हैं। 15 दिन में एक बार आप इनको वर्मी कंपोस्ट दीजिए या काऊ डंग दीजिए, कुछ भी आप दे सकते हैं। जो खाद आपके पास हो वो आप इसको दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो भी आप इसको चावल का पानी दीजिए। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग करता है आपका पेटूनिया और लंबे समय तक रहेगा। हरी पत्तेदार सब्जियां जब धुलते हैं तो उसमें ग्रीन पानी निकलता है, उसमें भी काफ़ी न्यूट्रिशन रहता है, तो आप उसका पानी भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। आज मैं अपने प्लांट को चाय की पत्ती देने वाली हूँ। यूज़ की हुई चाय पत्ती है जिसको मैंने अच्छे से साफ़ करके सुखा के रख लिया था और ये आज मैं अपने प्लांट पर दे रही हूँ। आप भी इसी तरह से चाय की पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।